हे गुड इवनिंग गाइस, दोस्तों आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं वन ऑफ द क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है सिट्जू। तो अगर आप लोगों को ये ब्रीड परचेज करनी है और वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में और अल्टीमेट क्वालिटी में, तो आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हैं। आई एम श्योर आप में से मोस्ट लोगों को ये क्वालिटी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि भाई सिट्जू में आप लोगों को चाहिए क्या होता है, पंच फेस, स्मूथ हेयर और ट्राई कलर। तो ये सभी चीजें आप लोगों को एक ही डॉग में मिल जाएंगी जिसे आप लोग फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसे परचेज करके आप लोग दो अलग अलग पर्पज से रख सकते हैं। आई मीन फैमिलीज में रखने के लिए तो ये डॉग ब्रीड परफेक्ट है, एंड साथ ही साथ आप लोग इसे एज ए स्टड सर्विस के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि भाई डॉग बहुत ही अच्छी क्वालिटी में काफी अच्छे से मैटिंग करता है। क्योंकि भाई जब आप लोगों के पास अच्छी क्वालिटी का डॉग होता है ना, वो फिर चाहे कोई भी हो, लोग सूंघते सूंघते आप लोगों तक पहुंच जाते हैं अपनी फीमेल की मैटिंग कराने के लिए। और गाइस आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि ओनर की जो सिटी है ना, उस सिटी में डॉग्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका प्राइस इतना अफोर्डेबल रखा है कि आप में से कोई भी अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये आप लोगों को 20-25 हज़ार रुपए मिलने वाला है, तो नहीं भाई, इसका प्राइस काफी कम है। तो गाइस पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोग सिट्जू परचेज करें तो गार्डिंग के पर्पज से नहीं होते, क्योंकि ये काफी फैमिलियर डॉग होते हैं जो किसी के ऊपर बाक वगैरह नहीं करते और काफी अच्छे से फैमिलीज में रह सकते हैं, चाहे आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हो, एनिमल्स हो या कोई कैट्स वगैरह हो। वैसे सिट्जू को आप लोग बेसिक ट्रेनिंग आसानी से दे सकते हो। वैसे ये जो सिट्जू है ये वेल ट्रेन्ड है एंड उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा रखी है, एंड मे बी आप लोगों को इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल जाए। वैसे गाइस मुझे सिट्जू में जो सबसे खास बात लगी वो है इसके हेयर, क्योंकि भाई उन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन रखा हुआ, काफी स्मूथ है, तो ये चीज आप लोग भी मेंटेन रख के चले तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे गाइस मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा आप लोगों को और कुछ भी पूछना तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोगों को इस सिट्जू की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि आप लोगों को परचेज करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्टली अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये जो सिट्जू है ये 22 मंथ्स का हो चुका है, सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट है एंड डॉग जो है ये फुल्ली एक्टिव है। एंड दोस्तों इस सिट्जू को आप लोग जहाँ से परचेज कर सकते हैं वो लोकेशन है अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र से, एंड डिलीवरी में आप लोगों को ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज ओनर सिर्फ थोड़ी बहुत दूर में ही आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी ओनर का स्पेशल ये कहना कि डायरेक्ट घर आए, डॉग की क्वालिटी अच्छे से चेक करें, उसके बाद में ही परचेज करें, जो कि सबसे सही रहता है। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो सिट्जू है एक्सीलेंट क्वालिटी में है, तो क्वालिटी में आप लोगों को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो किए 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। भाई देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, बाकी इस प्राइस में आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।